गीला हो गया ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज, सुप्रभात मित्रों। हमारी शुरुआत हो चुकी है दिन की, और शुरुआत होगी हमारी इन हसीन वादियों में। एक बार आपको दिखाता हूँ आसपास का सीन पूरा। ये देखिए, सुबह के बजे आई थिंक इस टाइम 7 बजे हुए, और चारों तरफ धूप निकली हुई है। बरसात के महीनों में अच्छी खासी धूप, बादल, सब मिक्स मौसम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ श्रीमती जी। श्रीमती जी, क्या बन रहा है? ब्रेड पकौड़ा इन टोस्टर। अच्छा, ब्रेड पकौड़ा इन टोस्टर, ये तो नया वर्जन सुन लिया आपका। चलो आपको दिखाते हैं। तो ये ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गया, पक गया पूरा ये? तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा पक जाए तो ज़्यादा बेटर। इधर हमारी तैयारी हो रही है दही को यूटिलाइज करने की, क्योंकि मौसम गर्म है। कल दही लिया था, तो अभी हम लोग दही की बना रहे हैं चटनी, जो कि होगी टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। उसको करेंगे दही में मिक्स और ब्रेड पकौड़े के साथ खाएंगे। ये लो, मुझे भी दे दो। चलो, और ये इसके ऊपर ये डाल दो थोड़ी सी, प्लीज। चम्मच से ऊपर ही डाल दो, बेशक हिला के डालना थोड़ी। हाँ ये, हाँ मिर्च आ गई, बढ़िया। और डालो, हिला दे पूरा। चलो थैंक यू। मैंने पाओ चम्मच। चलो, एक ही मिलेगा, एक पीस ही मिलेगा? नहीं नहीं, दो दो। अच्छा, दो 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 मिलेंगे, एक एक। टाइम लगेगा वैसे, 8 ब्रेड थे शायद। ओ गॉड, चलो भाई। खीरा तो नहीं चाहिए आपको साथ? खाऊंगा। आप चाय डाल दो, चीनी डाल दी जाए? मैं सिमरन ने चीनी डाली है। मैंने इसमें कुछ डाला, अमृता जी शक्कर डाले थे इसमें। ओ मम्मी, ओ मम्मी, 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 ओए मम्मी, मम्मी, हाँ। आहे गरम गरम लगा दूँगा। मदर, हाँ। ये एक वो है ना, रील है। तो फिर मम्मी के माँ कहती, हाँ, तो कुछ नहीं। तो भाई फाइनली हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं और अगली लोकेशन पे प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास टाइम बहुत कम है। कम टाइम में हम लोगों ने ज़्यादा लोकेशन कवर करनी है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने होमस्टे या होटल जो अभी बना रखा है उस पर काम करना है। तो लोकेशन मैंने आपको सुबह भी दिखाई थी, लोकेशन छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, बट क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो जगह का नाम है पनकोट, नीचे एक स्टेडियम पड़ता है, स्टेडियम से एक कच्चा रास्ता आता है, वहाँ पर आप लोगों ने आना है, और उससे कच्चे रास्ते से आप इस ग्राउंड तक पहुँच जाओगे। और कृपया जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ के लोकल प्रधान से परमिशन लेके फिर कैंपिंग करें। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको लेके चलते हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पर। सो गाइज, हम अपनी लोकेशन के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। पूरा एरिया पाइन ट्री से घिरा हुआ है, और द बेस्ट पार्ट इज यहाँ का ऑल्टीट्यूड बहुत अच्छा है, अबव 6000 है। और ये लोकेशन भी हमने रैंडमली ढूंढी है। हाँ जी,
और मतलब कि कल की जो हमारी लोकेशन थी उसका ऑल्टीट्यूड थोड़ा कम था, बट मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, तो दैट वाज वेरी गुड नाइस टेम्परेचर देयर, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आज सच हुई नहीं। हम पहुंचे हैं रानीखेत। रानीखेत से आगे एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है चौबटिया। चौबटिया, चौबटिया आप मैप में डालोगे तो आपको मिल जाएगा, बट टू गेट द प्रिसाइज लोकेशन वो भी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज फॉरेस्टा सेवन स्टोन कैफे। इसके पास एक ग्राउंड है छोटा सा, जहाँ पे आपकी अप्रॉक्सीमेटली एज पर गूगल इमेजेस, अभी हम पहुंचे नहीं है क्योंकि एज पर गूगल इमेजेस वहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाएंगी। उसकी परमिशन वहाँ पे जाके हम बता सकते हैं राइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो जी ये है सनसेट पॉइंट, अब ऊपर जाके देखते हैं। गड्डी तो इत्थे लेने वाली है ना, बट हम लोगों के पास पानी नहीं है भाई साहब। पानी मेरे पास है 6 लीटर। 6 लीटर, 6 हमारे पास पीने वाला है। वही है इनके पास भी है ना। हाँ, यहीं से एक हम पीने वाला एक तरफ करके मेरे कैन में यहाँ से लेंगे वॉशिंग के। इनसे ले लेंगे फिर ना, कोशिश करेंगे इनसे ले लेंगे पानी। एंड ऑफ द डे देखते हैं, नहीं तो फिर उसी से चलाएंगे। हाँ, किसी एक में पानी पीने का। हाँ, वैसे तो पीने के लिए तो बहुत है पानी। तो जी व्यू ऐसा है, कुछ बढ़िया व्यू है और सीजन इस टाइम है नहीं, तो हमारे जैसे लोग आएंगे यहाँ पर और हम आउट ऑफ सीजन ही आते हैं जब सीजन ना हो। सीजन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट लोकेशन अच्छी है, सनसेट पॉइंट है, शाम को देखेंगे सनसेट इधर होता है कि नहीं होता। किस साइड पे होता होगा सनसेट? किस साइड पे होगा सनसेट? सनसेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ तो नहीं होगा, यही होगा, यहाँ होगा। दिस इज द पोजीशन फॉर सनसेट, ये वाला होगा। तो गाइस जब आपको हमने लोकेशन दिखा दी है, इतनी बड़ी लोकेशन है, बट ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में नहीं, तू अकेली दिखेगी, हम नहीं दिखेंगे यार। और क्या, चलो इस वाले पार्ट में मतलब आप गाड़ी ऊपर ला सकते हो, बट रिस्की है क्योंकि यहाँ पे एक कैफे है तो वो कंप्लेंट कर सकता है और पीछे आर्मी एरिया टच करता है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग उस एरिया में, वो नीचे वाला है जो वो कैफे के साथ जो नीचे का एरिया, हम या तो वहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं वहाँ पे भी हम पार्क कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे भी नहीं करेंगे, हम बल्कि पीछे नीचे हमने पार्क किया गाड़ी, हम वहाँ पे कोशिश करेंगे वहीं पे कैंपिंग करें, सो दैट हम थोड़े हिडन रहेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई हमारी कंप्लेंट करेगा, ना हमें दिक्कत, ना उनको दिक्कत, ठीक है ना? डन। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ अगर पानी ना मिला, ये जो सामने रोड है, इस रोड से वो उधर गांव है पीछे, वहाँ से ले आएंगे पानी ना। पूरी हो जाएगी सबको।
बच गई बल्कि बच गई डालो। बैंगन वाला और कौन सा साथ में? शिमला मिर्च है इसमें, बैंगन है और क्या है, क्रीम है। लो जी, तो ये वाइट सॉस का पता नहीं कौन सा वर्जन निकाल दिया। थैंक यू। चलो जी, सही है सब कुछ? बिल्कुल सही है, कपड़े तुम्हारे यहाँ पड़े हुए। मेरी तो ठीक है, तुम अपनी सेट करो। झाड़ दिया मैंने सारा बिस्तर, आ जाओ फटाफट इससे पहले बाहर कुछ और आ जाए। गाइस ला जल्दी खाते हैं एक बार सीन बाहर का। तो जी बाहर का सीन पता नहीं दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा, हर बार की तरह हमारी एक बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ी एडवेंचर जो भी लगा लो। एक और घने जंगल के अंदर, कितना घना है ये मैं आपको सुबह दिखाऊँगा, प्रॉपर मौत के मुंह में। ये वर्ड बिल्कुल सही रहेगा। पकड़ो जी श्रीमती एंड से गुड नाइट टू एवरीवन। सो गाइस विद दिस आज का भी हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, ये लोकेशन भी बहुत ऑसम थी, यहाँ का ऑल्टीट्यूड भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत इंजॉय किया आज के दिन में। अब हमारा हो गया है सोने का टाइम, तो अब हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह। ठीक है, गुड नाइट बोल दो सबको जाते जाते। गुड नाइट टू एवरीवन।